क्या श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे? दोस्तों, हमें रामायण में बताया जाता है कि शत्रुघ्न मथुरा के राजा बने थे। अगर मथुरा के राजा स्वयं सूर्यवंशी राजा शत्रुघ्न थे तो फिर चंद्रवंशी राजाओं का कैसे यहाँ पर आगमन हुआ? आखिर चंद्रवंशी राजाओं ने कैसे मथुरा पर राज किया? कंस कैसे मथुरा का राजा बना? दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि रावण के वध करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए थे और उनको वहां का राजा बना दिया गया था। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, जैसे श्री राम अयोध्या के राजा थे, वैसे ही उनके छोटे भाई शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे। अब आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि मथुरा का राजा नाम सुनते ही अगर किसी के नाम मन में आता है तो वो आता है कंस का, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर शत्रुघ्न मथुरा के राजा कैसे बन गए? ये बात तब की है जब श्री राम अयोध्या के राजा थे। उस समय उनका दरबार हमेशा अपनी प्रजा के लिए खुला रहता था। जिसको जो भी समस्या या परेशानी होती थी वो श्री राम से आकर कह देता था। खास बात ये थी कि उनका ये दरबार सिर्फ अयोध्या वासियों के ही लिए नहीं बल्कि सारे भारत वासियों के लिए खुला रहता था। ऐसे ही एक दिन दरबार में कुछ ऋषि मुनि अपना दुख लेकर आए और उन्होंने श्री राम से सहायता मांगी। उन ऋषियों में से एक ऋषि थे चमन ऋषि। चमन ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज, मथुरा के राजा लवणासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो मधु नाम के दैत्य का पुत्र है जिसके पास अपार शक्तियां हैं। वो वहां रहने वाले ऋषि मुनियों और तपस्वियों को मार कर खा जाता है। वो रावण का भांजा है। अब तक उसने ना जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली है। हम आसपास के कई राजाओं से मदद मांगने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसकी वजह से लवणासुर के पास भगवान शिव का अद्भुत त्रिशूल होना है। इसलिए कोई भी राजा उससे दुश्मनी लेकर तैयार नहीं होता है। इस पर श्री राम ने उनसे त्रिशूल के बारे में पूछा और कहा, आखिर उसे महादेव का ये त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ? चमन ऋषि ने बताया, महाराज, लवणासुर का पिता मधु दैत्य होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। ब्राह्मणों और असहाय की रक्षा करके उन्हें कई पुण्य प्राप्त किए थे। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक दिव्य त्रिशूल निकाल कर उसे वरदान के रूप में दिया था। उन्होंने मधु से कहा कि इस त्रिशूल से वो हर युद्ध जीत करके कुछ भी जीत हासिल कर सकता है। उन्होंने मधु से कहा, इस त्रिशूल से वो हर युद्ध में जीत हासिल करेगा, साथ ही ये त्रिशूल शत्रु का वध करके पुनः वापस लौट आएगा। इस पर दैत्यराज मधु ने शिव जी से कहा, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि मेरी मृत्यु के बाद ये त्रिशूल हमेशा मेरे वंश में ही रहे। अब महादेव ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया और कहा, दैत्यराज, तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा ये त्रिशूल तुम अपनी मृत्यु के बाद अपने एक पुत्र को दे सकते हो। लेकिन याद रहे, तुम्हारे उस बेटे की मृत्यु के बाद ये त्रिशूल वापस मेरे पास लौट आएगा। यही कारण है कि कोई भी लवणासुर से युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। ऋषि मुनियों का दर्द सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत शत्रुघ्न को ये आदेश दिया कि वो मथुरा जाकर लवणासुर से युद्ध करे। उन्होंने शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली वाण दिया और कहा कि तुम्हें उस पर तब आक्रमण करना है जब शिव जी का त्रिशूल उसके पास ना हो। बड़े भाई का आदेश मिलते ही शत्रुघ्न मथुरा के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर लवणासुर से युद्ध करने लगे। दोनों के बीच एक बेहद प्रलयकारी युद्ध चल रहा था। आखिर में शत्रुघ्न ने उसी बाण का इस्तेमाल करके लवणासुर का वध कर दिया और वहां की प्रजा को क्रूर राजा से मुक्ति दिला दी। लवणासुर की मृत्यु के बाद महादेव का त्रिशूल उनके पास वापस लौट आया, लेकिन लवणासुर की मृत्यु के बाद वहां की प्रजा राजविहीन हो गई थी। प्रजा और राजा का संबंध बिल्कुल पिता और संतान की तरह होता है। ऐसे में बिना राजा के प्रजा अनाथ हो गई थी। इसलिए सभी ने श्री राम से शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाने की विनती की। सभी की खुशी को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया था और इस तरह मथुरा के राजा महापराक्रमी शत्रुघ्न बने। अब बात करते हैं कि वो मथुरा कौन था जिसमें शत्रुघ्न राजा बने थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण भारत में एक मथुरा हुआ करता था जिसका नाम आज के वर्तमान में मदुरई रख दिया गया है। मदुरई को ही पहले मथुरा कहा जाता था।
ना कि हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा को मथुरा का राजा स्वयं शत्रुघ्न थे, ऐसा नहीं था। वो दक्षिण भारत के मथुरा के राजा थे, जो आज भी प्रमाण के रूप में उसका नाम बदल कर मदुरै कर दिया गया है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।